यू, ठीक है। हर हर सेशन के अंदर दो पेपर्स फर्स्ट ईयर के और दो सेकंड ईयर के हम डिस्कस करेंगे। वट एवर आई विल बी टेलिंग यू, द पर्पज इज नॉट टू लेट यू डाउन, द पर्पज इज नॉट टू यू नो टू मेक यू फील बैड अबाउट योर परफॉर्मेंस। द पर्पज इज बेसिकली टू टीच यू, एंड आई डोंट क्लेम टू बी अ गुड टीचर, बट आई थिंक दैट अ गुड टीचर शुड हाईलाइट द मिस्टेक्स सो दैट इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिवेलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैं बिल्कुल ब्लंट होके, बिल्कुल ओपन होके आपकी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। आपने इस तरह से बबल्स जो है वो बिल्कुल आपने फिल नहीं करने। द राइट वे टू फिल द बबल्स इज द वे दीज बबल्स आर फिल्ड, ठीक है, और द वे यू नो दीज बबल्स आर फिल्ड, ठीक है। सो दिस इज द अगेन, यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे अनॉमली नजर आ रही है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू फिलिंग द बबल्स। दीज बबल्स आर कंपैरेटिवली फिल्ड बेटर, ठीक है, बट यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरह से आपने ये गलती नहीं करनी। पर्सनली आई लाइक दीज बबल्स, ठीक है, ये बबल्स बहुत अच्छे तरीके से फिल हुई थी। दिस इज हाउ यू हैव टू केयरफुली फिल द बबल्स। जब मैं आपको MCQ सॉल्व करवा रहा था तो उसमें यू माइट हैव नोटिस दिस दैट आई वाज जस्ट काउंटिंग कि मैंने नंबर लगा दिया और आई सेड के ओके जी बात खत्म होगी। एक्चुअली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज द टाइम दैट यू विल बी कंज्यूमिंग इन फिलिंग दीज बबल्स, ठीक है। तो ये जो आपको एक अलग से मुशक्कत करनी पड़ेगी, इसका भी आपने, इसके लिए भी आपने टाइम बचा के रखना है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि भाई ये ठीक है टिक लगाया या ऐसे करके सर्कल किया और आगे बढ़ गए। यहाँ पे आपको बबल उसको बैठ के सही तरीके से उसको बड़े प्यारे अंदाज में उसको भरना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपने अपने पास एटलीस्ट 5 मिनट्स का मार्जिन रखना है MCQs के अंदर, एंड यू हैव टू फिल द बबल्स इन अ वेरी डिसेंट फैशन। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आपके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर का पेपर जो है मैं ओपन करूंगा, पेपर मैं इधर से अपने मोबाइल से ओपन करूंगा, और जो आपका एनालिसिस होगा दैट आई विल बी शेयरिंग फ्रॉम यू नो फ्रॉम द स्क्रीन्स। अब यहाँ पे सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि आपने टाइटल जो है ना, टाइटल, ठीक है, वो आपने उसको देख करना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करें और उसको नीचे क्या करें, अंडरलाइन करें। ये एक तो सबसे पहले आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद इट वुड बी बेटर कि अगर आप ये लाइन जो है इसको इंस्टेड ऑफ मेसिंग योर पेपर, अगर आप इसको ऊपर यहाँ पे टाइटल कर दें और उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल दे दें और उसके बाद यहाँ से आप नीचे लिखना शुरू करें तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। अब जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है दैट इज अबाउट समरी राइटिंग। समरी में मैंने आपको बताया था कि द समरी शुड बी मिनिमम ऑफ 10 sentences एंड बट इट शुड नॉट बी मोर देन 15 sentences। तो एटलीस्ट 10 sentences की आपने समरी जो है वो लाजमी लिखनी है। अच्छा, व्हेन द स्टूडेंट्स फ्री, अब देखें, व्हेन द स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, व्हेन द स्टूडेंट्स फ्री देमसेल्व्स, और यू कैन से कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर फ्री, या व्हेन द स्टूडेंट्स आर फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा। दे फील फ्री फ्रॉम पेरेंटल गाइडेंस but along that excitement nahi hota balki along with the excitement of freedom, theek hai, ab yahan pe ye complete sentence nahi hai, theek hai, it's not a complete sentence, yahan pe agar aap isko comma kar dete hain aur agle sentence ko isko jod lete hain to that becomes a complete sentence. ab according to me, if I have been checking this paper, to main is first sentence ko dekh ke hi मैं इस बच्चे के हवाले से ये एक राय कायम कर लेता, ठीक है, एंड दिस इज हाउ द इंग्लिश पेपर्स आर चेक्ड, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द टीचर्स मेंटालिटी हियर, एंड दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, सो मे बी सम ऑफ द इंग्लिश टीचर्स दे विल बी लिसनिंग टू दिस एंड दे विल से कि भाई इसने तो हमारा अंदर का ना वो जैसे होता है ना भांडा फोड़ दिया है, हमारा राज उगल दिया है। बट आई एम टेलिंग यू द टीचर्स मेंटालिटी, यू नो आई हैव बीन इनटू दिस बिजनेस इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 10 years, सो आई नो हाउ थिंग्स वर्क। होता यह है कि जैसे ही सब्जेक्टिव पेपर आपका चेक करना शुरू करता है तो वो फर्स्ट 2 sentences से ये एनालाइज कर लेता है कि इस बच्चे का सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का है। सबसे पहली जो चीज वो चेक करता है ना, वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करता है, क्योंकि उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि आगे चल के मैंने इसको इसकी कोहेरियन एंड कोहेरेंस पे या इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैंने इसके पेपर को मैं कितने नंबर देने।
मतलब अगर आपके फर्स्ट टू सेंटेंसेस के अंदर इस तरह की गड़बड़ होगी तो उससे टीचर को अंदाजा हो जाएगा कि इसने ऐसे भी इसी तरह लिखा होगा, ऐसे में भी इसने ग्रामर के बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे होंगे, इसने पंक्चुएशन का कोई ख्याल नहीं रखा होगा, तो उसका शुरू से जेन बन जाएगा कि बस ये वो बच्चा है कि जो 60-70% बहुत मर के अगर इसने नंबर लिया तो 60-70% नंबर ले लेगा, इससे ज्यादा ये नंबर नहीं ले सकता। तो आपने क्या करना है, आपने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओपनिंग ऑफ योर एग्जाम पेपर, उसके हवाले से आपने बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, बहुत ज्यादा आपने केयरफुल रहना है, और आपने फर्स्ट जो टू क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत ही आपने केयरफुल वे में अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि फिर आपके जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन का, और उसके बाद यू नो द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट पोएट्री एंड ड्रामा, वो वैसे भी आपके क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, उसका अच्छा खासा पोर्शन है, 28 नंबर्स का आपका क्वेश्चन नंबर टू है, फिर इसी तरह से आपका आगे जो है वो 24 नंबर्स का आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज योर इंप्रेशन, और यू कैनॉट अफोर्ड टू यू नो बी अ बैड गाय इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर। तो इस चीज का आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो अब आई नो के अगेन, अब मैं इसको पेपर को कहीं से भी चेक करना शुरू करूँ तो आई नो के दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई एम गोइंग टू इनकाउंटर ड्यू टू एकेडेमिक प्रेशर, द स्टूडेंट्स रन अवे ऑफ दिस स्ट्रेस, नहीं रन अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेस, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्दी एक्टिविटीज दे टर्न्स। अब देखिए दे के बाद टर्न्स कभी भी नहीं आता, एसवीएस हम लगाते हैं यू नो ही शी इट के बाद, दे के बाद हम कभी भी नहीं लगाते, दे टर्न टू बैड हैबिट टू यूज द ड्रग, नहीं होता टू द बैड हैबिट ऑफ यूजिंग द ड्रग्स, ठीक है, या टू द बैड हैबिट ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है। अब यहां तक पढ़ेगा टीचर, उसके बाद उसका आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो डिसाइड कर लेगा कि मैं इसको 8 में से कितने नंबर दूं, तो वो 8 में से जनाब आपको यहाँ पे 4 नंबर देके, ठीक है, 7 में से 4 नंबर आपको देके, उसके बाद वो आपको 1 नंबर आपको टाइटल का दे देगा, 5 नंबर इस क्वेश्चन में देके वो आपके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस इट इज वेरी क्लियर। आर यू गाइस गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? मतलब ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बोलता रहूं और आपको मेरी बातें समझ ही ना आ रही। यस सर वी आर गेटिंग यू। ओके, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू और आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द पेपर्स? यस वी आर। ओके ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के हवाले से, दैट इज कि आपने आपको लेट सपोज के वहां पे 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 8, तो वहां पे जो नंबरिंग है वो इफ देयर आर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस तो 8 स्लॉट्स बनी हुई होंगी, ठीक है, फॉर 8 क्वेश्चंस। उसमें लेट सपोज आपको जो जो शॉर्ट क्वेश्चन या सब क्वेश्चन नंबर 4 है वो अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे तो फॉर दैट स्लॉट यू हैव टू लीव दैट पेज ब्लैंक, you have to leave that page empty instead of मैं एक पेपर देख रहा था, उसमें एक बच्चे ने ना यहाँ से ऊपर पेपर स्टार्ट किया है, यहाँ तक उसने समरी लिखी, यहाँ समरी के बाद ही उसने ना सेकंड क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, विच इज अ ब्लंडर एंड यू डू नॉट हैव टू गो फॉर दैट ब्लंडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसके आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब यहाँ पे जो जुज ए है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इस जूज ए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है उसके अंदर आगे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपने इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आपने यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है, इस लाइन को आप बिल्कुल खाली छोड़ दें, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए जो है दैट इज फ्रॉम पोएट्री एंड जो पार्ट बी है दैट इज फ्रॉम नॉवेल, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोएट्री, यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं पोएट्री और उसके बाद ऑप्शन ए का आंसर, फिर उसके बाद ऑप्शन बी का आंसर और उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन सी का आंसर। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखें ना, इस बच्चे ने द पोएटिक डिवाइसेस आर इमेजरी की उसने एक बताई है कि विंड्स दैट विल बी हॉलिंग और स्लीपिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे कोई मार्कर यूज नहीं किया, ठीक है, आपको ब्लू और ब्लैक दो आप कलर्स यूज कर सकते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू आर यूजिंग ब्लू पेन एंड ब्लैक मार्कर और ब्लैक पेन एंड ब्लू मार्कर, दैट इज टोटली अप टू यू, अदरवाइज यू कैन डू दिस कि आप यहाँ पे जो है आप इसको ब्लू में लिख दें और ऊपर ब्लैक मार्कर आप यहाँ पे यूज कर लें, और मतलब जो पंक्चुएशंस हैं पंक्चुएशंस के लिए आप मतलब जो आपका पेपर है उसका ब्लू में सॉल्व करें और जो पंक्चुएशंस हैं वो आप कर लें यू नो ब्लैक के साथ मेंशन कर दें, कोटेशंस जो हैं
उनके लिए आप ब्लू पेन यूज कर लें. सो वट एवर द कॉम्बिनेशन और वट एवर द आई वुड से दैट मेकअप प्लान यू हैव इन योर माइंड, बट यू शुड बी हैविंग अ मेकअप प्लान. ठीक है, तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. द पोएटिक डिवाइसेज आर इमेजरी, ठीक हो गया. सिमिली एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. अब इसमें जब लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स आपने कहा तो दिस मीन्स के इस ये पूरी की पूरी जो लाइन है, दिस कंप्लीट लाइन इज नॉट सिमिली बट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. अब अगर मैं ये पेपर चेक कर रहा हूं तो मुझे ये पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी टू इन ऑर्डर टू फाइंड द सिमिली. लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो क्लेवर स्टूडेंट होगा, जिसको अपने नंबर चाहिए और जो अपने एग्जामिनर को का टाइम भी सेव करना चाहता है और नंबर भी लेना चाहता है, वो क्या करेगा, वो इस लाइन को इसी तरह ब्लैक से ब्लू से लिखता आएगा और जहां पे लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स जो है इसको वो क्या कर देगा, इसको वो मार्कर से लिख देगा. ठीक है, और मार्कर से लिखने के बाद हो सकता है वो इसको अंडरलाइन भी कर दे. मार्कर से लिख दिया, गुड. अंडरलाइन भी कर दिया, बेटर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो इन द पेपर. उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, see that bears her bosom to the moon. अब bears को यहाँ पे underline किया जा सकता है. The wind that will be howling, howling को underline किया जा सकता है. Sleeping flowers में sleeping को underline किया जा सकता है. So this is how you have to solve this question. उसके बाद assorted moon means degraded. Assorted moon does not mean morally degraded. ठीक है, morally degraded. But sordid moon is basically something that appears good. But in words, that is dangerous. ठीक है, the poet calls the loss of harmony with nature a sordid boon for human beings. Are increasing materialistic pursuits demand sordid boon. ठीक है, they do not demand sordid boon. They are a sordid boon. ठीक है, are increasing materialistic pursuits are sordid boon. It is a shameful act, on the part of ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है. तो इसमें मैं आपको दोनों जो तीनों जो क्वेश्चन हैं इसमें से आई विल गिव यू 1.5 1.5 1.5, इस तरह से आपको नंबर्स दे दूंगा. ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हो सकता है 2 दे दूँ ऊपर वालों में से, दोनों में से 1.5 1.5. सो दिस इज हाउ योर पेपर विल बी चेक. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट और एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ब्लॉब विच आर. अब यहाँ पे आपने इसको एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, या तो आप इनको यहाँ पे बोल्ड कर दें, या फिर जब आपने कहा कि देर आर 5 एक्शंस ऑफ प्लॉट एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ब्लॉब, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 एक्सपोजिशन, नंबर 2 राइजिंग एक्शन, नंबर 3 क्लाइमैक्स, नंबर 4 फॉलिंग एक्शन, नंबर 6 नंबर 5 रेजोल्यूशन. उसके बाद आप क्या करते हैं, वन बाय वन उनको क्या करते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं, या आप उसके बाद हेडिंग देते कि एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, ठीक है, एज प्रेजेंट इन द प्रोग्रेस प्ले, या एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट एज प्रेजेंट इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. उसके बाद आप उनको क्या करते थे, उनके जो हवाले थे वो आप इसमें दे देते. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक और पेपर देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का, और वो जो पेपर होगा उसको हम क्विकली देखते जाएंगे और यू कैन फाइंड द डिफरेंस एज वेल. सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ आई वुड से दैट विन और लूज सिचुएशन, इट्स बेसिकली वी आर लर्निंग थिंग्स. नाउ यू कैन फाइंड के ऊपर कोई टाइटल की हेडिंग भी नहीं थी, टाइटल की हेडिंग देने की जरूरत ही नहीं है, साफ पता चल रहा है कि दिस इज द टाइटल. ठीक है, उसके बाद इन कॉलेज स्टूडेंट्स फील देमसेल्व्स रिलीव्ड फ्रॉम द शैकल्स. ठीक है, देखिए शैकल्स कितना मजे का वर्ड है, जब टीचर पढ़ेगा तो वो कहेगा यार वाओ, अब ये शैकल्स का वर्ड जो था ये टेक्स्ट के अंदर यूज भी नहीं हुआ था, एंड द स्टूडेंट केम अप विद दिस वर्ड शैकल्स ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, मुख्तलिफ तरह की जो पाबंदियां होती हैं उनकी बेड़ियों से वो अपने आप को आजाद महसूस करते हैं. तो यहीं पर ही एग्जामिनर जो हो जाएगा वो इंप्रेस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, इन कॉलेज कॉमा लगाया, रिस्ट्रिक्शंस कॉमा लगाया, but they also feel worried about parental and social expectations to perform good in studies. ab dekhiye first sentence hai kitna direct, kitna stated, theek hai, aur kitna impactful sentence hai ki wo azad bhi mehsoos karte hain aur wo sath hi sath kya hai wo unko apne parents ki jo expectations hain unme wo bandhe bhi khud ko mehsoos karte hain. It's a very impactful sentence, theek hai, and this is how you should be gradually developing a context for your numbers in order to perform good in studies. Acha, in order to cope up with the academic, ab dekhe na bahut sare bacche kya karte hain, in order to cope likh dete hain, but the correct word is cope up. In order to cope up the academic and peer pressure, they look for a way out. Theek hai, they look for a way out
अच्छा यस ठीक है, यहाँ पे ए नहीं लगाया, दे लुक फॉर वे आउट्स, ठीक है, अब वे आउट्स भी हो सकता है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज दे लुक फॉर वेज आउट, ठीक है, दे लुक फॉर वेज आउट एंड समटाइम्स फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग अब्यूज इंस्टेड ऑफ हेल्दी एक्टिविटीज, दे रिस्क देयर लाइफ एंड करियर अमॉन्ग अदर प्रेशर्स, देखें इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल समरी, अब इसमें इस समरी में से मैं आराम से 6.5 जो जो एग्जामिनर होगा इसमें 6.5 अगर उसका मूड अच्छा हुआ, बीवी से लड़के ना आया हुआ तो वो 7 भी दे देगा, ठीक है, और एक नंबर आपको उसका मिल जाएगा, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन एंड द इंप्रेशन हैज बीन डेवलप्ड एंड वाओ दिस इज समथिंग वेरी मच ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स भी बता दिए कि भाई इतने वर्ड्स की मैंने समरी लिखी है, या अगर किसी टीचर के जहन में कोई कैलकुलेशन या कोई अपना फार्मूला है तो उस फार्मूले के साथ वो इसको वेरीफाई भी कर सकता है, सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद यहाँ पे जो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर शॉर्ट क्वेश्चन को क्या किया हुआ है, हर शॉर्ट क्वेश्चन की ऊपर एक हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है, हेडिंग बना के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, नो कटिंग, ठीक है, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं है, फ्रीडम टर्न्स अप चार्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अब देखें ना कि कितनी कितनी मजे मजे की कैची कैची लाइन्स जो है वो उनसे स्टार्ट करके पेपर को प्रॉपर तरीके से जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स को यूज किया हुआ है, सो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू, कि ये यहाँ पे इस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया तो उसकी जो जगह थी उसको क्या कर दिया, उसको आप खाली छोड़ दिया, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, इंप्लाइड मैसेज ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ये इस तरीके से कि ये लाइन आपने बिल्कुल खाली छोड़ देनी है, यहाँ पे ऑप्शन ए मार्कर के साथ लिखा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद ऑप्शन बी लिखा, उसकी हेडिंग दी, उसके बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ पे इसने मार्कर यूज नहीं किया तो क्या कर दिया, ऑक्सीमोरॉन कॉमास में कर दिया, ठीक है, यहाँ पे यस अगर मार्कर का यूज कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन को मार्कर से लिख लिया जाता, सिमिली को, ऑक्सीमोरॉन को, और फिर उसके बाद जो उनकी एग्जाम्पल्स थी उनको लिख लिया जाता तो और भी अच्छा हो जाता, अच्छा तो उसके बाद कैरेक्टर स्केच, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ योर कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज मेल्डन, ठीक है, बच्चे ने जो है वो कैरेक्टराइजेशन की तरफ चला गया, जो सेकेंड क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया, तो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग दिस क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद लेटर राइटिंग, सो दिस इज हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग द लेटर, आपको लेटर के ऊपर राइट अ लेटर टू फ्लां 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 वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, व्हाई, बिकॉज वो आपके सब्जेक्ट के अंदर ही आ जाएगा, यहां तक ठीक है, ये ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यू हैव टू अंडरलाइन, इसको आपने लाजमी यहाँ पे अंडरलाइन करना है, और उसके बाद यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन, रिस्पेक्टेड सर आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ कैशियर एट राइट बैंक लिमिटेड एज दिस वैकेंसी हैज बीन पोस्टेड ऑन योर कंपनीज वेबसाइट, ठीक है, ऑन योर कंपनीज वेबसाइट, आई एम सर्टन दैट माई क्वालिफिकेशंस मेक मी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल, I also believe that it would be a great opportunity for me to further grow both professionally and as a person. ठीक है, आप देखें यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि professionally, तो फिर आप कहें कि both professionally and personally. ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप as a person की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप कहें कि for me to further grow in my profession. ठीक है, and as a person as well. ठीक है, तो आपने इस चीज का यू नो जो एग्रीमेंट है, सेंटेंस एग्रीमेंट है, उसका भी आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है. या इट्स अ पेन यूज, बट अगेन आई वुड से यू नो यूनेस वही बात जो मैंने आपको सिर्फ बताई थी कि व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग द पेन, बट इफ यू हैव बीन हैबिचुअल ऑफ यूजिंग पेन तो आप जो है यू कैन गो फॉर द पेन एज वेल. ओके, सो दैट मच इनफ फॉर द फर्स्ट ईयर. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ. सेकेंड ईयर के कुछ पेपर्स को देख लेते हैं. पहला पेपर जो है दैट इज यू नो ये फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है. अब इसमें देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसको बच्चे ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को भी सबसे पहले लिखा है, ठीक है, और उसके बाद आंसर्स को लिखा है. तो आई डोंट रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद आप आंसर्स को लिखें. लेकिन एक चीज जो मुझे इसकी अच्छी इस क्वेश्चन की पेपर की अच्छी लगी वो थी यूज ऑफ बोथ मार्कर्स इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे. कि ब्लैक कलर भी यूज किया, ब्लू कलर भी यूज किया. राइटिंग इज क्लियर. द आउटकम ऑफ हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री इज दैट देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपल विल गेट जॉब
easily. People will get jobs. Why? Because people, agar people hai to phir, there should be more than one jobs. And the thing they have learned in academia can be applied or will be applied in daily life. Yahan pe phir kya aa gaya? Grammar ka masla aa gaya. So grammar is a universal problem of Pakistani students. So wo to hamesha hota hi hai. But the things that you have to learn about the paper is that you have to avoid these kind of massacres. You do not have to assassinate the text. बच्चे ना वहाँ पे टेक्स्ट को असैसिनेट करना शुरू कर देते हैं, उसको कत्ल करना शुरू कर देते हैं, उसको मर्डर करना शुरू कर देते हैं. सो यू डू नॉट हैव टू मर्डर द पुअर वोकैबुलरी आइटम्स दैट यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड. इट्स लाइक क्रिएटिंग समथिंग एंड देन किलिंग इट. सो यू डू नॉट हैव टू किल इट. इफ यू डिड समथिंग अनइंटेंशनली तो उसको आप क्या करें, सिर्फ आप उसको उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगाएं, उसके ऊपर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्रॉस डालें, ठीक है? तो आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट दिस वॉज रिटन but this is not part of the answer. तो इस चीज़ का आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है. तो इसमें से यू नो चार चार नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ऑन एवरेज 3, 3.5, 3, 3, 3.5, दिस इज हाउ दीज आंसर आर गोइंग टू एंड अप. अच्छा, उसके बाद समरी एंड टाइटल ऑफ द पैसेज. अब देखें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग समरी एंड टाइटल ऑफ द पैसेज, अगर यहाँ पे ये बच्चा जो है ये यहाँ पे टाइटल ही लिख देता, the title of the passage is technical and vocational education, no, I do not recommend कि आप इस तरीके से title को लिखें. आप यहाँ पे ये है ना title technical and vocational education, तो आप simple यहाँ पे लिख दें marker के साथ technical and vocational education, उसके ऊपर commas डाल दें, उसको underline कर दें और उसके बाद आप अपनी summary को लिखना start कर दें, ठीक है? The vocational education is very important because we are living in a modern world and the way to economic growth is a skilled workforce. अब देखें यहाँ पे इसने इसको खुद ही समझ आ गई. और पिछले आप इसके पिछले टेक्स्ट को देख लें, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे you know the text was massacred, और यहाँ पे आप देख लें कि ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना मजे का लग रहा है, and it is not looking offensive as well. All right, okay, so let's move to another paper. सेकेंड ईयर का इज इट गेटिंग हेल्पफुल और नॉट? यस सर, इट इज हेल्पफुल. ओके, दैट्स गुड. लेट मी क्लोज सम ऑफ द टैब्स दैट यू नो gets less burdened and we can move to the next quickly. Okay, again, yeah, that can be another good way of moving towards the answers. Title, uske baad ye title likh diya, uske baad summary, aur uske baad summary ko start kar diya. Vocational education plays a key role in country's development. In country's development. Relative authorities and government. ठीक है, गवर्नमेंट के स्पेलिंग गलत हैं. गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू एवरीवन. देर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वोकेशनल एजुकेशन. सो उसके बाद कॉमा आता है. सो गवर्नमेंट शुड स्टार्ट और वर्क ऑन दिस. नहीं, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. यूनिवर्सिटीज शुड डिवेलप स्किल डिवेलपमेंट विद ऑटोनॉमी. Vocational education departments should be introduced at post-secondary level. Okay. अब देखें यहाँ पे आप paragraph, इस question के अंदर जो चीज lack कर रही है, that is paragraphing. के paragraphs की form में नहीं लिखा हुआ, ऐसे लग रहा है कि जैसे दो दो तीन तीन sentences को बस jumble करके ऐसे इकट्ठा जोड़ दिया गया. It is not looking like a summary. ठीक है, it's looking like a जैसे वो reporters की जो statements होती हैं उस तरीके से लग रहा है. It should be in the form of a summary. There should be use of transitional devices and it should be written in the form of a paragraph. जैसे मैं आपको ये ज़ेब फातिमा की summary दिखा रहा था, तो it should be looking like that. ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है. अच्छा, उसके बाद word count जो है, ये अगर आप
अगर आप जैसे प्रेसी लिख रहे होते हैं ना, तो प्रेसी में वर्ड काउंट जो है वो जरूरी होता है, वो आपने लाजमी वहां पे देना होता है। क्वेश्चन आंसर में चूंकि वर्ड काउंट की उस तरह से जरूरत नहीं होती, तो ऑब्वियसली आप जब क्वेश्चन करने के बाद आप वर्ड्स को काउंट करेंगे, तो वही आप वर्ड्स को काउंट करने के बजाय अगर आप अपने पेपर में देख लें कि कहीं पे कोई कॉमा तो नहीं मिसिंग, कहीं पे कोई फुल स्टॉप तो नहीं मिसिंग, कहीं पे कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत हो गया, कहीं पे कोई अपोस्ट्रॉफी तो नहीं रह गई, या कहीं पे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो नहीं खराब कर दिया, अगर आप उस पे वो टाइम लगा लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वर्ड्स एंड देन राइटिंग देम। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्रैक्शन बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, या दैट इज गुड। And since you are given one page for the complete short question, तो आप इस तरह से lines छोड़ के भी लिख सकते हैं, जिससे आपका question जो है वो खूबसूरत भी लगता है और decent भी लगता है कि you know it takes the handsome amount of the page, तो आपका जो question है वो एक decent way में attempt हो जाता है। All right, moving to the last question, थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ, ऐसे राइटिंग को देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स। आई स्टडीड अ नॉवेल 2 days ago। या दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप वाकई कोई आपने एक नॉवेल पढ़ा है और उसी से आप जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ये देखें एक अच्छा स्टार्ट, लेकिन फिर उसके बाद द टाइटल ऑफ दैट नॉवल इज प्रोग्रेस। अब ये आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। क्यों? क्योंकि नॉवल जो प्रोग्रेस है दैट इज नॉट अ नॉवल, दैट्स अ प्ले। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, अबाउट द जॉनर्स। कि अगर आप नॉवल कह रहे हैं तो देन यू हैव टू टॉक अबाउट अ नॉवल, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्ले तो देन यू हैव टू टॉक अबाउट अ प्ले। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन मेल कैरेक्टर प्रोफेसर हेनरी कॉरे एंड, आप देखें जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप सिंपल ये कहते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन प्रोफेसर हेनरी कॉरे एंड मिसेस मेल्डन, तो ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे कह दिया कि द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन मेल कैरेक्टर प्रोफेसर हेनरी कॉरे, तो फिर आपने आगे कहना है एंड अ फीमेल कैरेक्टर मिस मेल्डन। ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोफेसर हेनरी कॉरे कह दिया, तो हर किसी को पता है कि भाई हेनरी तो किसी औरत का नाम नहीं होता, तो आपको ये मेल कैरेक्टर कहने की जरूरत नहीं है। बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर इन रिलेशन, नो, बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, they are siblings, simple, ठीक है, they are siblings, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर कॉरे इज ब्रदर ऑफ मिसेस मेल्डन, बट बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर इन रिलेशन, दैट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। प्रोफेसर हेनरी कॉरे इज अ साइंटिस्ट एंड वॉन्ट्स टू मेक वॉर्स मोर हॉरिबल, बट मिसेस मेल्डन हेट, नहीं, अब ये यहाँ पे देखें ना, wants है ना, wants, so this means कि मिसेस मेल्डन hates war as she lost her son in a war, ठीक है। That's the conflict. अब यहाँ पे that's a contraction. Contraction आपने use नहीं करनी होती paper में. That is the conflict between the characters. ठीक है, between the characters कहने की बजाय आप यहाँ पे कहेंगे that is the conflict between Professor Henry Corey and Mrs. Meldon. ठीक है, उसके बाद professor के जो contracted form है that is P-R-O-F dot, not P-R-O-F-F. ठीक है, इस तरह से professor नहीं लिखा जाता होता। Professor Henry Corey is a self-centered materialistic is spelling, materialistic person. He has no love, care and affection for his relatives. ठीक है, at the end the conflict is solved, conflict is resolved as Mrs. Meldon killed her brother with a knife. अब knife की spelling भी यहाँ पे गलत है। अच्छा, अब इसमें आपने बताना था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपने बताना था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिसेज मेल्डन के अंदर जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर क्या चल रहा है कि ऑन वन साइड ही वॉन्ट्स टू मॉर्न फॉर हिज सन एंड ऑन द अदर साइड ही वॉन्ट्स टू सेव हिज ब्रदर एज वेल। ये उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है कि उसका भाई जो है वो उसकी थॉट्स डिफरेंट हैं और मिसेस मेल्डन की थॉट्स डिफरेंट हैं। दोनों की जो थॉट्स हैं वार के हवाले से वो डिफरेंट है, तो दैट इज एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर होता है, विद इन अ पर्सन होता है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिमसेल्फ, या जिसको आप इनडिसाइसिवनेस कहते हैं, फैसला ना कर सकना, सो दैट इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस प्ले के अंदर या इस नॉवेल के अंदर दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ द बोथ टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, उसके बाद ऐसे राइटिंग की तरफ चलते हैं।
तो ऐसे राइटिंग में आप देखें कि वहां पे उन्होंने आपको आउटलाइन बनाकर दी हुई है, ठीक है, आउटलाइन आपको दी हुई है, तो यू हैव टू मेंशन द आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन मेंशन किए बगैर आपने नहीं लिखना अपना जो एसे है। यहाँ पे ऐसे की हेडिंग दें, आउटलाइन की हेडिंग दें, जो आउटलाइन के अंदर वहां पे जो हेडिंग्स मेंशनड हैं उन हेडिंग्स को आप वन बाय वन इस तरह से मेंशन करें, ठीक है, अगर पांच हेडिंग्स हैं तो आप पांचों हेडिंग्स को मेंशन करें, उसके बाद आप हर हेडिंग को उसी तरतीब के साथ हर हेडिंग को लेके चलते हुए आप जो है अपना जो एसे है उसको आप उसी तरतीब से लिखें। ऐसे जो चेक किया जाता है ना, मैं आपको बताऊं कि शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि पेपर में वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपका पूरा ऐसे बैठ के पढ़ते हैं और उसमें से वो गलतियां निकालते हैं और फिर उसके बाद आपका ऐसे चेक करते हैं। नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। सच्ची बात यह है कि अगर ऐसे की अगर उन्होंने आउटलाइन में आप लोगों को चार उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर लेट मी ओपन द पेपर, कि जो पहला जो ये ऐसे बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है, वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, अब इसके अंदर वहां पे आप पेपर में देखेंगे तो आपको आउटलाइन में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, वुमेन एंड इस्लाम, रोल ऑफ वुमेन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इनजस्टिस विद वुमेन, द इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्टिंग वुमेन, स्टेप्स टू इंप्रूव वुमेन्स कंडीशन, सजेशंस और कंक्लूजन। अब जो एग्जामिनर होगा ना, वो इसमें से ना एक हेडिंग देखेगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहीं पे अगर आपने बनाई नहीं हुई आउटलाइन, तो उसको लगेगा यार इस बच्चे का तो ना पूरा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो यहीं पर ही क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। तो आप आउटलाइन के मुताबिक जब जब लिखेंगे तो वो सिंपल क्या करेगा, वो कहेगा कि अच्छा मैं देखता हूँ कि इसने स्टेप्स टू इम्प्रूव जो ये जो है स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन्स कंडीशन, इसमें बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, वो आपका एक पैराग्राफ पढ़ेगा और उसी से आपको आपके ऐसे को वो इवेलुएट कर लेगा, ठीक है। तो आपने आउटलाइन लाजमी बनानी है और उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस बच्चे ने जो है वो क्या किया हुआ है, इस बच्चे ने उस आउटलाइन को फॉलो तो किया हुआ है, ठीक है, इस्लाम हैज अटैच्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज विद वुमेन्स, ठीक है। अब देखें वुमेन्स जो है ना, ये अपोस्ट्रफी आप तब लगाते हैं जब आप इसको प्रेपोजिशनल वे में यूज कर रहे होते हैं, जैसे वुमेन्स प्लेस, वुमेन्स रोल, ठीक है, वुमेन्स इनहेरिटेंस, वुमेन्स क्लॉथ्स, तो तब आप अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं। अगर आप सिंपल कह रहे हैं विद वुमेन तो फिर वुमेन्स नहीं आएगा, सिंपल क्या होगा, विद वुमेन आएगा, इस्लाम हैज अटैच्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज विद वुमेन, इस्लामिक फेथ स्टेट्स दैट इन द आईज ऑफ अलमाइटी अल्लाह मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, ठीक है, शुड बी इक्वल नहीं, मैन एंड वुमेन आर इक्वल एंड आर अलाउड टू फुलफिल द सेम रूल्स, ठीक है, रोल्स है, ठीक है, ओके, देयरफॉर दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द ड्यूटीज ऑफ a Muslim, all the duties of being a Muslim, all the duties of being a Muslim, uske baad all the duties of a Muslim worshipper, including the completion of religious traditions, specifically the pilgrimage to Makkah. Ab ye dekhen ki ye this is something which is not, I would say it's not relevant to the role of women in Islam, ke auraton ke yahan pe aap keh sakte the ki Sayyida Aisha, she used to do so-and-so things. Sayyida Khadija used to do so-and-so things. In Islamic world, women used to do the business. Okay, women were traders. Okay, women used to teach hadith. So, you can talk about things like that when you are referring it to Islam. Okay, instead of going for these type of things. Acha. Uske baad, someone said, आप ये जो समवन के साथ आप कोटेशंस लिखते हैं ना, ये आपने वहां पे नहीं लिखनी, ठीक है, आपने हमेशा वही कोटेशन लिखनी है जिसका आपको पता है कि ये किसने कहा है, ठीक है, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि एज द कोटेशन गोज और उसके बाद आप जो है वो इसको आप इस तरह से कोट कर सकते हैं, एंड इफ दैट कोटेशन इज नॉट दैट मच फेमस, किसी की फेमस की कोटेशन नहीं है, आपने फेसबुक से लेफ्ट राइट कहीं से पढ़ी है, तो आप उसको सिंपली जो है वो अपने ऐसे में मोल्ड करके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप उसको अपने नाम से ही पब्लिश कर दें, बट यू कैन यूज दैट इन सम अदर वेज, ठीक है। वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट नहीं है, कंट्रीज डेवलपमेंट है। सो बेटा, दिस इज हाउ योर पेपर इज चेक, ठीक है, दिस इज हाउ योर पेपर इज सीन, दिस इज हाउ योर पेपर इज इवेलुएटेड, और उसके बाद ऑथर जो है उसको, जो आपका जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने इस तरह से पेपर किया हुआ है, और वो आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो देके आपको वो फारिग कर देता है। तो अब मैं आपका ये पेपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आपका ये पेपर इसी तरह का आप लोग पेपर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका पेपर चला जाएगा जब आप बोर्ड में पेपर देंगे एग्जामिनर के पास,
And this is how the examiner is going to look into your paper. And this is how, you know, he or she is going to evaluate the paper. उसके बाद जो आपका correction वाला जो passage था उसकी तरफ आ जाते हैं. We are running short of the time as well. Books are the best companion of a educated man. Yes, इस question को आपने इस तरह से solve करना है. ठीक है, आप इस तरफ errors लिखते जाएं और दूसरी तरफ उसकी correction करते जाएं. Instead of writing the complete passage and then solving it, just write the error, highlight it. ठीक है, जैसे A को highlight कर दिया, उसके बाद यहाँ पे N को भी आपने underline करना है. Our life है तो ये क्या हो जाएगा, our lives हो जाएगा. Unfaithful for us, unfaithful to us, ठीक हो गया. उसके बाद bestly companion, no, it's not bestly companion, it is best companion. तो आपका जो question होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये इस तरह से ये question पूरा हो जाएगा. उसके बाद idioms के use की तरफ आते हैं. Bone of contention मतलब फसाद की जड़. The bone of contention between Pakistan and India is Kashmir, good. उसके बाद cat's paw, Ali, all ideas of his, this witless work is his. ठीक है, Ali was just a cat's paw. ठीक है, Pakistan is making progress by leaps and bounds. ठीक है, Mr. Ahmed had a bird's eye view. देखे ना, an eyes birds नहीं होता, a bird's eye view on his you know tenders project, जो भी project है. ठीक है, उसके बाद bring to light, he will bring to light what is, अच्छा अब यहाँ पे आपने ना what is he will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of man at heart. ठीक है, ये वाला sentence भी ठीक है. उसके बाद narration में आ जाते हैं. डॉक्टर क्या था, डॉक्टर सेड टू माय मदर, रिस्पेक्टेड मैम. सो डॉक्टर रिस्पेक्टफुली, डॉक्टर एडवाइज्ड टू माय मदर रिस्पेक्टफुली. ठीक है, या डॉक्टर रिस्पेक्टफुली एडवाइज्ड टू माय मदर भी हो सकता है, या रिस्पेक्टफुली डॉक्टर एडवाइज्ड टू माय मदर दैट शी शुड गो बैक टू हर होम एंड टेक रेस्ट. फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट. उसके बाद माय मदर रिप्लाइड दैट शी हैड बीन लाइंग इन हर बेड since last day. ठीक है, yesterday क्या हो जाएगा. जी जी, yes yes. I'm sorry to interrupt you. Is it necessary to include the word respectfully? Yes yes, because respected, जब कहा गया ना कि respected ma'am, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको indirect आपको narrate करना पड़ेगा. This is what the indirect narration is. ठीक है, okay, thank you. Okay, my mother replied that she had been lying in her bed since last day. Yes, that is correct. Okay, yesterday jo hai wo last day mein chala jayega. She need to work, I requested. Ab ye jo tha na, that was ke wo keh rahi hai ki I need to work, said my mother. Theek hai, I need to work, said my mother hai, to ye kya ho jayega, ye aayega ke my mother said that she needed to work. Theek hai, my mother said that she needed to work. क्योंकि ये जो I need to work है, ये कौन कह रहा है, ये उसकी माँ कह रही है. ठीक है, you know, उसके बाद फिर अगेन क्या है, अगला जो सेंटेंस था that was के प्लीज लिसन टू द डॉक्टर, आई सेड टू मदर. अब इसमें क्या आएगा, आई रिक्वेस्टेड टू माई मदर टू लिसन टू द डॉक्टर. यस, आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू लिसन टू द डॉक्टर, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस. उसके बाद द डॉक्टर रिप्लाइड दैट आई वॉज राइट. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सो दिस मीन्स के ये जो सेंटेंस था ना, द थर्ड सेंटेंस, इसके अंदर प्रॉब्लम था. अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं. Sorry to interrupt you again. Can we also say that the doctor agreed with me? Yes, yes, we can say that. Okay, we are in the last minute. And I think that would be enough for today. Two questions रह गए, उनको फिर इंशाल्लाह हम जो next हमारा जो session होगा उसमें इंशाल्लाह we will conclude that. So this is how we are going to go through the papers. बाकी जो हमारी discussion है वो इंशाल्लाह हम groups में करते हैं. Okay, take care of yourself.